24 घंटों में दाऊद का निकला दीवाला। अरे दाऊद इब्राहिम को बैठे बैठे बिल्कुल जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बकरी बना दिया। तो इसी की खुशी के मारे मैं तो हूं कि दाऊद इब्राहिम टुडे इज एज रिच और पुअर एज आई एम। अड़तालीस घंटे में आतंकी हाफिज सईद हुआ कंगाल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने धमकी की चोट पर घोषणा कर दी। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। बहत्तर घंटे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हुई बर्बाद। यह जो जाली नोट है यह फेक करेंसी है, यह फेक करेंसी पाकिस्तान में छपती है और पाकिस्तान से भारत में आती है। वो जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पाकिस्तान ने छाप के रखे हुए, तो आज के दिन दो चार पाकिस्तानी जनरल्स को तो हार्ट अटैक होगा, ये अच्छी खबर है। मोदी के एक फैसले से आतंक की जन्नत तबाह। जो टेरर फंडिंग है आतंकवादियों का, जो एक नकली नोटों को लेकर के एक गतिविधि चलता है, उसमें भी बहुत बड़ा रोकथाम लगेगा। करेंसी क्रांति के हवन में आतंकवाद स्वाहा। नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जो काम तोप के गोले नहीं कर सके वो काम कर दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने, और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम रो रहा है, आतंकी हाफिज सईद कराह रहा है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सिर पीट रही है। भारत में 500 और 1000 के पुराने नोट पर बैंक से पाकिस्तान की आतंकी टिकड़ी बर्बाद हो चुकी है। हिंदुस्तान की करेंसी क्रांति से दाऊद और आईएसआई को कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये आप इस रिपोर्ट में देखिए और आपको समझ में आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं आतंकवाद स्वाहा। क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? जाली नोट जो आती है बहुत बड़ी ताकत उससे आतंकवादियों को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है। वो सारा पैसा धुएं में बदल गया। सिर्फ 500 और 1000 रुपए में आतंकवाद स्वाहा। न गोलियों की जरूरत पड़ी न तोप के गोलों की, बस एक फैसला हुआ। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट कानूनन अमान्य होगी और दाऊद इब्राहिम, आतंकी हाफिज सईद, आईएसआई की कमर टूट गई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 500 1000 रुपए पर बैन से आईएसआई के 12 लाख करोड़ रुपए बेकार हो गए। सीमा पार से जाली नोटों का कारोबार चौपट हो गया। दाऊद के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। काले धन जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान से ऑपरेट जाली नोटों का नेटवर्क बुरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान से भारत में फैलने वाले जाली नोट के 5 नेटवर्क हैं, जिसमें पहला है पाकिस्तान से बांग्लादेश और मालदा का रूट, दूसरा रूट पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत तक पहुंचता था, तीसरे रूट में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से जाली नोट का कारोबार चलाता था,
जाली नोटों का चौथा रूप दुबई है। पाकिस्तान दुबई के रास्ते भी भारत में जाली नोट भेजता था और पांचवा रूट चीन है, जहां से बीते कुछ महीनों में बड़ी संख्या में जाली नोट भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। सीमा पार से जाली नोट के इन पांच नेटवर्क के बारे में आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप 500 और 2000 के नए नोट देखिए। ये नए नोट देखकर पूरा पाकिस्तान जल भुन रहा होगा। हाफिज, दाऊद और ISI की तिकड़ी मातम मना रही होगी, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई करना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल है। एक तो को छाप नहीं सकेगा, पाकिस्तान जैसा चोर मुल्क उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो ट्रांसफरेबल है। नंबर टू, वो जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पाकिस्तान ने छाप के रखे हुए, तो आज के दिन दो चार पाकिस्तानी जनरल को तो हार्ट अटैक होगा, ये अच्छी खबर है। दूसरी, दाऊद इब्राहिम बैंक्रप्ट हो गया आज, इस पे तो पूरे मुंबई और पूरे हिंदुस्तान को तो मनाना चाहिए ना। नकली नोटों पर तैयार NIA की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस समय करीब 400 करोड़ रुपए के जाली नोट हो सकते हैं, जबकि हर साल करीब 70 करोड़ रुपए के नए नकली नोट चलन में आ जाते हैं। नकली नोटों का बिजनेस हर साल करीब 17.5% की दर से बढ़ रहा था, और जाली नोट के इस कारोबार में पाकिस्तान की ISI सबसे अहम रोल निभा रही है। भारत के अंदर आतंकवादियों को जो प्रश्रय मिल रही है, उसके पीछे यदि कोई है, और यह जो जाली नोट जो आती है, बहुत बड़ी ताकत उससे आतंकवादियों को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है। सचमुच उस ताकत को, हजार और 500 रुपए की करेंसी को समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया। सवाल सिर्फ दाऊद इब्राहिम का नहीं है, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो टेरर फंडिंग हो, वो काउंटरफीट करेंसी से होती है। ये करेंसी पाकिस्तान में बनवाते हैं, भारत में भेजते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10 लाख नोटों में औसतन 250 नोट नकली होते हैं। पिछले 5 सालों में हर साल 24 से 46 करोड़ रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। दाऊद की कुल आय का 30-40% हिस्सा जाली नोटों के कारोबार से है। नकली नोटों के काले कारोबार में ISI ही दाऊद की मदद कर रही है। ये पूरी की पूरी जो एक नेटवर्क, एक फैक्ट्री और एक नेटवर्क थी, उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है पाकिस्तान को। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग आप बड़े बेचैन हैं इस कदम से। एक रिसर्च के मुताबिक नकली नोटों में सबसे बड़ा हिस्सा 1000 रुपए के नोटों का है। हर एक नकली नोट छापने में ISI को 30-40% फायदा होता है। ISI जाली नोटों का इस्तेमाल आतंकी हमलों और अलगाववादियों की फंडिंग के लिए करती है। क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं, और यह सालों से चल रहा है। जानकारी यह है कि नकली नोट पेशावर और कराची में छपते हैं, उन पर भी रोक लगेगी? उनका तो धंधा बंद हो जाएगा इससे। जाली नोट ज्यादातर 500 और 1000 में है, और यही वजह है कि 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद आतंक की तिकड़ी के बर्बाद होने के दावे किए जा रहे हैं। रवि त्रिपाठी, यशस्वी का मल्होत्रा के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये हिंदुस्तान की करेंसी क्रांति का ही असर है कि बिना किसी हथियार के आतंकवाद जलकर राख होने लगा है। पीएम मोदी का ये कदम पाकिस्तान से ऑपरेटेड जाली नोट नेटवर्क और आतंकवाद के सफाये के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पाकिस्तान का जाली नोट का नेटवर्क 5 रास्तों से भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा था। उन 5 रास्तों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जिसके बाद आपको ये पता चलेगा कि हमारी और आपकी जेब में असली नोटों के बीच में पाकिस्तान में छिपे जाली नोटों की घुसपैठ कैसे होती रही है। भारत में फैले जाली नोटों के काले कारोबार का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सालों से भारत के खिलाफ जाली नोटों के जरिए आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देती रही है।
यह जो जाली नोट है, यह फेक करेंसी है, यह फेक करेंसी पाकिस्तान में छपती है और पाकिस्तान से भारत में आती है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए, यह पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। भारतीय रुपयों का जाली संस्करण पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पेशावर, लाहौर और कराची जैसे शहरों में तैयार करती है। उसके बाद अरबों रुपयों के जाली नोटों को 5 रास्तों से भारत में भेजती है। नकली नोट का पहला नेटवर्क पाकिस्तान से बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल के मालदा तक है। मालदा जाली नोटों का सबसे मुफीद अड्डा है। बीते कई सालों में सबसे ज्यादा जाली नोट भारत में इसी रास्ते से आए। मालदा में सरहद के गांवों में नोट के बंडल फेंके जाते हैं और फिर उस बंडल को ISI के एजेंट आगे पहुंचाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने बांग्लादेश बॉर्डर पर 1,00,000 के नकली भारतीय नोट की कीमत 18,000 रुपए तय की है। दाऊद इब्राहिम को क्यों, ISI को भी नुकसान होगा जो टेरर फंडिंग करते हैं वैली में, जितने भी हमारे उनके हमदर्द जो वैली में बैठे हुए हैं उनकी फंडिंग सारी पाकिस्तान से होती है। दूसरा नेटवर्क पाकिस्तान से वाया नेपाल है। नेपाल के रास्ते आसानी से बिहार, झारखंड और यूपी में नकली नोट पहुंचाए जाते हैं और यहां से देश के दूसरे हिस्सों में नकली नोट फैल जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में आते ही 1,00,000 के नकली नोट का रेट करीब 40,000 रुपए है। अब आपको नकली नोट का तीसरा नेटवर्क दिखाते हैं। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में दाखिल होने वाले इस जाली रैकेट में ISI आतंकी हाफिज सईद की मदद से जाली नोट आतंकियों और अलगाववादियों तक पहुंचाती है। आज हाई डिनोमिनेशनल नोट्स 86% थे और इसलिए इस 86% का ब्लैक मनी में, करप्शन में, काउंटरफीट करेंसी में, टेररिज्म में, इन सब में इसका कहीं ना कहीं रोल रहता है और इसलिए इसका प्रभाव बहुत अधिक होने वाला है। इसी रास्ते से हवाला और जाली नोटों का कारोबार सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। बड़ी मात्रा में काउंटर फीट करेंसी यहाँ पे लाया जाता था हिंदुस्तान में, स्पेशली ये 1000 रुपीज का नोट्स, तो और वहाँ से फिर ये बीरगंज और बीरगंज के थ्रू यहाँ पे हिंदुस्तान में वो दाखिला होता था इसका। तो पूरी जो आपकी जिहादी टेरर नेटवर्क है उसकी फंडिंग इसके द्वारा होती थी, सब्सटैंशियल, पूरी नहीं सब्सटैंशियल मात्रा में। नकली नोट का चौथा नेटवर्क पाकिस्तान से वाया दुबई ऑपरेट हो रहा है। इस नेटवर्क में ISI का सबसे बड़ा मोहरा है भगोड़ा आतंकी दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, दाऊद का तो सारा चौपट हो गया है इससे। हाँ, ये तो इसीलिए बड़े सूझबूझ के साथ प्रधानमंत्री ने किया है। अपने स्टेट बैंक में इंडियन करेंसी छाप के दुबई में उसको US डॉलर में करते थे, या जम्मू कश्मीर में जो LET और इनके हैं उनको पेमेंट ही उस इंडियन करेंसी से होती थी जिससे वो जो पाकिस्तान छापता है जाली नोट जो है, और उससे वो अपने आर्म्स आर्मामेंट और गोलियां वोलियां हिंदुस्तान में खरीद लेते थे। वो सारा पैसा धुएं में बदल गया। वो लोग जो करोड़ों रुपए लेके हिंदुस्तान का दुबई में लेके बैठे हुए इस वक्त, जो जहाज भर भर के नोट आता है और जाता है, धुएं मुड़ गया। नकली नोट का पांचवा नेटवर्क जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है वो है वाया चीन। पाकिस्तान से नकली नोट चीन पहुंचाए जाते हैं, फिर चीन से सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, हांगकांग जैसे देशों से होते हुए वो नकली नोट भारत में आ जाते हैं। जो फेक करेंसी नकली नोटों का बड़ा सर्कुलेशन जो चलता है, मुल्क के बाहर से भी चलता है और अंदर में बहुत लोग इसमें इस धंधे में है, उनके ऊपर में भी ये बहुत बड़ा प्रहार है। भारतीय जांच एजेंसियों ने पिछले 3 महीने में 65 कंसाइनमेंट पकड़े हैं जिनके तार इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े थे, जिसमें चीन से भी भारत में नकली नोट पहुंचे थे। पटना से ब्रजेश मिश्र और दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ पवन नारा, जी मीडिया। भारत और चीन हाल ही में जाली नोट पर एक दूसरे से सूचना साझा करने को लेकर राजी हुए हैं। भारत के लिहाज से ये एक अच्छी खबर है।
अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के उन अड्डों के बारे में जहां पर भारतीय रुपए का जाली नोट तैयार किया जाता है, उसे छापा जाता है। आतंकवाद और जाली नोट भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ये दो सबसे बड़े हथियार हैं। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के पास पाकिस्तान में भारतीय रुपयों के जाली नोट छापने का पूरा इंतजाम है। लाहौर, पेशावर और क्वेटा में भारतीय जाली नोट छापने वाली मशीन है, जिससे ज्यादातर 500 और 1000 रुपए के नोट छापे जाते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसकी कमर टूट गई। वो इसलिए कि पाकिस्तान खुद इंडिया की करेंसी छापता था, उन्होंने सील्स चोरी की हुई हैं जर्मनी से, अपने स्टेट बैंक में इंडियन करेंसी छाप के दुबई में उसको यूएस डॉलर में करते थे। यह जो जाली नोट है, यह फेक करेंसी है, यह फेक करेंसी पाकिस्तान में छपती है और पाकिस्तान से भारत में आती है। भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन के बाद पाकिस्तान के जो 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए, उनमें से ज्यादातर लाहौर के सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए। पाकिस्तान के जाली नोट को पकड़ना क्यों मुश्किल था, ये भी सुन लीजिए। ये जाली नोट इतनी आसानी से पाकिस्तान करने के कारण है कि जब चिदंबरम फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने जो करेंसी पेपर है जो हमारे देश में उसकी उत्पादन नहीं होती है, उसको निर्यात करने के लिए उसने ब्रिटेन का एक कंपनी को ठेका दिया, डेलारू ऐसा कुछ नाम से। अब सीबीआई और आईबी सब, आरएडब्ल्यू सब ने विरोध किया, कहा कि ये जो कंपनी है ये करेंसी पेपर पाकिस्तान के लिए भी करती है, लेकिन चिदंबरम ने जिद करके दे दिया, तो उससे उनको आसान हो गया। भारत नोट छापने के लिए पेपर जर्मनी, जापान और ब्रिटेन से खरीदता है। साल 2015 में भारत ने जर्मनी की कंपनी से नोट वाले पेपर का करार इसीलिए तोड़ दिया था क्योंकि जर्मनी की वो कंपनी पाकिस्तान को भी उसकी करेंसी छापने के लिए वही पेपर मुहैया करा रही थी। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत आसान होता था भारतीय रुपयों के ऐसे जाली नोट बनाना जो जल्दी पकड़ में न आए। पटना से ब्रजेश मिश्र और दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ पवन नारा, जी मीडिया।